So very good morning once again. Now today we are going to revise lesson number 10. We have already read about soils, our soils. In India we have six types of soils. Six type of soils hamare India mein milti hain. Question is this, how many types of soils are found in India? There are, agar itna hi pucha jaye, you are to write simple one line. There are six types of soil found in India. Name them. तो हम उनके names भी लिखेंगे. See, alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil, mountain soil. Clear? ये तो question हो गया. अब मैं हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको explain करूंगी. Like see, एलुवियल सॉइल जो कि पंजाब में भी मिलती है, सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल है. एलुवियल सॉइल जो है रिवर्स की साथ जो मिट्टी आती है वो होती है और इसमें ह्यूमस बहुत होता है और ये बड़ी फर्टाइल होती है. इसमें सारी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, वीट, राइस, ऑयल सीड्स, मेज, कॉर्न, शुगर केन, सारी क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं. तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. क्लियर? एंड कोस्टल एरियाज, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे भी यही सॉइल मिलती है. नेक्स्ट कम्स ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो है लावा रॉक से बनी होती है और ये सदरन प्लेट्यू में है मिलती. क्योंकि इसका नाम ही ब्लैक है तो ये थोड़े से कालेपन पे होती है, काले रंग की होती है और इसको इसमें कॉटन जो है बहुत अच्छे से ग्रो होता है. कॉटन की क्रॉप जो है बहुत अच्छे से ग्रो होती है और ये सदरन प्लेट्यू में मिलती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाला एरिया जो है. नेक्स्ट कम्स रेड सॉइल. रेड सॉइल रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम और आयरन के कंटेंट होते हैं जिस कारण से ये लाल रंग की नजर आती है. क्लियर? ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है लेकिन फिर भी इसके अंदर फर्टिलाइजर्स को हम यूज करके इसके अंदर से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. और कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? राइस, मिलेट्स, टोबैको, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स. क्लियर? देन कम्स लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल भी रेडिश कलर की होती है लेकिन इसमें क्या होता है, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि ना इसकी जो टॉप लेयर होती है वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, बारिश बहुत आती है, जिस कारण से ऊपर वाला जो फर्टाइल पार्ट होता है वो इसका पानी के साथ या हवा के साथ बह जाता है. और फिर भी अगर हम इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करें तो कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह रबर ग्रो कर सकते हैं. ये कर्नाटका में, केरला में, उड़ीसा में या असम में ये सॉइल मिलती है. देन कम्स डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल यानी कि सैंडी सॉइल, जो सैंड होती है डेजर्ट एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में मिलती है. इसमें बहुत चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं क्योंकि डेजर्ट सॉइल जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती है और लूज होती है. इसके अंदर पानी को सोखने की कैपेसिटी भी नहीं होती है तो जिस कारण से इसमें बहुत कम चीज़ें ग्रो करती हैं. जो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दें तो उससे क्या होगा, कुछ क्रॉप्स जैसे कि मेज, ग्राम, बार्ले, ये क्रॉप्स ग्रो कर जाती हैं. ये गुजरात, हरियाणा के कुछ साइड पे जो राजस्थान को टच करता है एरिया, राजस्थान में तो ये मिलती है. यस जैस्मिन, जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल जो होती है माउंटेन्स में मिलती है. माउंटेन एरिया यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाला एरिया जहाँ पे माउंटेन्स होती हैं, ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. ये इसमें फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं और
स्पाइसेस, कॉफी, टी, आपने दार्जिलिंग की टी सुनी होगी, असम की टी सुनी होगी, वहां पे माउंटेन सॉइल मिलती है, तो जिस कारण से टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, माउंटेन, आपने हिमाचली सेब सुने होंगे ना, है ना, जम्मू कश्मीर के सेब है, रेड कलर के हिमाचली सेब है, तो ये माउंटेन सॉइल यहाँ पे मिलती है जो कि फ्रूट्स ग्रो करने के लिए बहुत बेस्ट होती है. सो माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लाइक दिस. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज लैटराइट सॉइल रेडिश इन कलर? रेड रंग की क्यों होती है? अभी मैंने बताया लैटराइट सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम. अगर आपको ये लैंग्वेज टफ लगती है ना बेटा, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. इन लैटराइट सॉइल आयरन एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड, दैट्स व्हाई इट इज रेड इन कलर. सेकेंड पॉइंट, इट इज द मिक्सचर ऑफ रेड सॉइल एंड क्ले, इसमें रेड सॉइल और क्ले मिक्स होती है. दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज बहुत इजी है. डोंट यू थिंक सो? है ना, इजी है ना ये. चले, थ्री पॉइंट्स है, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो थ्री पॉइंट्स लिखने हैं, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो फाइव पॉइंट्स लिख लिए. क्लियर? नेक्स्ट कम्स, राइट द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम और किस नाम से जानते हैं? द अदर नेम्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स आर रीगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल. क्लियर? ये तो नाम लर्न ही करने हैं, और क्योंकि नाम है तो इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सॉइल, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन अगर सिंपल आता है व्हाट इज सॉइल, तो यू विल राइट ओनली दिस, द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इन विच, यस, विल यू रीड अनुराधा, अनुराधा भट्टी, यू आर टॉकिंग बेटी, रीड इट. व्हाट इज सॉइल, अनम्यूट योर सेल्फ अनुराधा. द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट एंड trees grow is called soil. First point, it is home to many. Only soil. The loose uppermost layer of earth. In which plants and trees grow is called soil. In plants and trees grow is called soil. जिसमें प्लांट्स और ट्री ग्रो करते हैं उनको सॉइल कहते हैं. सम स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग नाउ, दिस इज वेरी बैड. बेटे आपकी क्लास कब की फिनिश हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, सो यू शुड बी पंक्चुअल, अटेंड योर क्लास ऑन टाइम. सो द लूज, जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जिसके बीच में प्लांट्स और ट्री ग्रो करते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज होम टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं रहते हैं, छोटे छोटे अर्थवर्म, छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे, आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े मिट्टी के अंदर रहते हैं, जब हम थोड़ा सा उसको खोलते हैं और वो कीड़े जो है ऊपर ऊपर चलने लग जाते हैं, है ना, तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. साथ में ये रेन वाटर को फिल्टर करता है. रेन वाटर जो है, जब रेन होती है उसका पानी जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिल्टर करते करते जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना, वहां पर पानी रेन का पहुंच जाता है, तो ये रेन वाटर को भी फिल्टर करती है. नेक्स्ट काम, वी डिपेंड ऑन इट, सॉइल के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि प्लांट्स सॉइल में ही पैदा होंगे.
अगर सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं पैदा हो सकते. और जो क्लोथ है, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो भी कॉटन जो है वो प्लांट से ही हमें मिलती है. मेडिसिंस मिलती हैं, कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल मिलता है. कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग्स को बनाना, तो सारा ये काम जो है सॉइल ही हमें प्रोवाइड करती है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल. ठीक है, टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, टॉप लेयर जो रिमूव हो जाती है सॉइल की, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन. द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. हम ऐसे भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. तेज बारिश होती है या तेज हवाएं चलती हैं तो टॉप सॉइल उड़ जाती है. कैरिड अवे मतलब हैवी रेन अपने साथ उसको बहा के ले जाती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग दीज मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स यूज करके हम इसको बचा सकते हैं? प्रिवेंट करना मतलब बचा सकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल उड़ के ना जाए. सो सबसे पहले मेथड है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करो. क्यों? क्योंकि ये ट्रीज जो है ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अपनी रूट्स के साथ. आपको सबको पता है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं, जो मिट्टी के बीच में फिक्स होती हैं, मीन्स मिट्टी को वो पकड़ के रखती हैं. अगर वो सॉइल के अंदर रूट्स हैं, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी, है ना. तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करने चाहिए क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है. नेक्स्ट कम्स यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स. हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिस कारण से ना टॉप सॉइल जो है पोल्यूटेड हो जाती है, तो उसकी बजाय हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए. नेचुरल फर्टिलाइजर्स मतलब जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं. एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, उसकी कंपोस्टिंग करके हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. तो वो हम यूज़ करेंगे तो हमारी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स. ओवर ग्रेजिंग का मतलब ग्रेज करना मतलब घास खाना. एनिमल्स घास खाते हैं ना, तो उसको कहते हैं एनिमल ग्रेजिंग, है ना. इंग्लिश में पढ़ते हो आप, अगर ज़्यादा वो ग्रेज करने कर लें किसी फील्ड के ऊपर, ज़्यादा घास खाते रहें तो उस टाइम पे वो फील्ड जो है बैरन हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है. और खाली जब हो जाएगा तो हवा जब भी चलेगी तो वो मिट्टी अपने साथ उड़ा के ले जाएगी. तो अगर हम एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग मत करवाएं, मीन्स ठीक है एनिमल्स वहाँ पे घास खाएं लेकिन ज़्यादा ना खाएं. एनिमल्स एक ही फील्ड में ना जाएं, अलग अलग में चले जाएं, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी जिस कारण से सॉइल इरोजन नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वुड यू फाइंड इन योर स्टेट. नेम द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन इट. यहाँ पे मैंने सबको कहा था चेंज करने के लिए. इन पंजाब वी कैन फाइंड, ओके यू आर टू राइट दिस वे. इन पंजाब वी कैन फाइंड एलुवियल सॉइल. क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में एलुवियल सॉइल मिलती है. अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती हैं? वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, बार्ले, मेज आर सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पंजाब. ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, पंजाब में ग्रो करती है. सो दिस लेसन इज क्लियर. दिस लेसन इज क्लियर टू एवरी वन. Now next lesson is lesson number 16 about our rights, goals and duties. बहुत इजी क्या है मम्मी? जगदीप कौर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, बुक ऑफ लॉज एंड रूल्स.
जिस पे हमारी ड्यूटीज, हमारे लॉज, हमारे राइट्स लिखे होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड. एक ऐसी बुक है, एक ऐसा लॉज का मिक्सचर है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से कंट्री को गवर्न करना है, कंट्री को रन करना है. ठीक है, उसमें सारे लॉज रेगुलेशंस बताए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं जो सारी कंट्री के सिटीजन, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे वो गर्ल है, चाहे बॉय है, हर इन सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है उसको वो राइट्स मिले हुए हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री सम बेसिक राइट्स. राइट्स मतलब अधिकार, हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता. दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? द ड्यूटीज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज. जो ड्यूटीज भी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं. जो राइट्स दिए हुए हैं हर सिटीजन के लिए उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. ये राइट्स और ड्यूटीज ना साथ साथ चलते हैं. आपके घर में भी आपने देखा होगा कि कुछ रूल्स बनाए हुए हैं मम्मा ने, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है. या अगर आपकी कोई ड्यूटी है कि आज आपने प्लांट्स को पानी देना है, पेट को बाहर घुमाना है, तो आप अपनी ड्यूटी टाइम पे करोगे तो इट विल बी गुड, अगर नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है. तो सेम वे हमारे देश को भी चलाने के लिए हमें कुछ ड्यूटीज और राइट्स मिले हुए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है? फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले ड्यूटी है कि वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मानना चाहिए. उसमें जो लिखे हुए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए. क्लियर? वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. हमें अपने देश के जो ट्राइकलर है, नेशनल एंथम, जनगण मन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज. पब्लिक प्रॉपर्टीज मतलब जो सारी देश के सारे लोग जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, पार्क है, या फिर बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना. तो ट्रेन में ये तो नहीं है कि मैं चढ़ जाऊं तुम नहीं चढ़ पाओगे, हर कोई पर्सन चढ़ सकता है. क्लियर? वी मस्ट कंजर्व द एनवायरमेंट. हमें अपने एनवायरमेंट की भी देखभाल करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट एनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड. हमें आपस में सारे सिटीजन्स को, सारे देशवासियों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, इस फीलिंग के साथ कि हम सब एक हैं और हमारे बीच में भाईचारा है. हम जैसे अपने फैमिली में मिलके इकट्ठे रहते हैं, तो देश में भी मिलके इकट्ठे रहना हमारा ड्यूटी है. क्लियर? लिस्ट 3 गोल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी गोल्स है सॉरी, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में सब एक है, इक्वल है. रिस्पेक्ट फॉर ऑल इन द कंट्री, कंट्री में सबकी रिस्पेक्ट करनी, ये हमारा गोल है. इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एंड वर्क, हर एक को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो पढ़ें भी और काम भी करें. क्लियर? एक्सप्लेन वाई द फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री. क्यों जरूरी है? फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल. एसेंशियल मतलब जरूरी है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए.
अगर किसी को राइट ना मिला हो, है ना, तो दूसरे बंदे उसके ऊपर हावी हो जाएंगे. तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. दे हेल्प ऑल द सिटीजन्स टू लीड देयर लाइफ इन पीस एंड हारमनी. इससे लोग अपनी जो लाइफ है शांति के साथ और मज़े में गुजार सकते हैं. दे एम्पावर सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट एंड फुलफिल द रूल ऑफ लॉ. इससे लोगों में पावर आती है, लोग अपने आप को पावरफुल मानते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और लॉस को भी फुलफिल करते हैं. आपको पता है ना, अगर हम कोई लॉ नहीं मानते हैं या किसी लॉ को ब्रेक करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ के लेके जा सकती है. तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं. अगर हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो वी कैन कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन इन द पुलिस. सो वी शुड have the value of these fundamental rights. Now, I want to explain about the fundamental rights. Right to equality. सबसे पहले right to equality है, जिसमें सबको equal माना गया है. Next is right to freedom. Freedom में हमें speaking का, कि हम कुछ बात बोल सकते हैं, speech दे सकते हैं, या इसमें इसके अंदर ही ना एक right to education भी आता है. Right to education होता है, वो fundamental right में ही है. इसके अंदर ही राइट टू फ्रीडम के अंदर ही माना गया है राइट टू एजुकेशन. इसमें 6 years से लेके 14 years तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन लेने का अधिकार है. गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दे कैन टेक फ्री एजुकेशन, ठीक है, चाहे वो गरीब है. पहले टाइम पे क्या होता था, गरीब होने के कारण पेरेंट्स जो थे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन नाउ दे कैन गेट एजुकेशन और इसके बदले में उनको मिड डे मील भी मिलता है, खाने को भी मिलता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी से काम करवा लेना बदले में उसको सैलरी ना देना. नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना कोई भी धर्म जो अच्छा लगता है अपनी चॉइस का धर्म हम अडॉप्ट कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स वो होती हैं जिसमें हम अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं. देन कम्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है आज के हिसाब से, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं. हम फ्री हैं इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाने के लिए. सो दिस इज